और आज एक बहुत दूर से अपने सब्सक्राइबर भी हैं, वो मिलने आए हैं, तो उनसे मुलाकात करवाता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज अभी हम जा रहे हैं V3S। तो आज है मंडे, तो मंडे क्या है, हम शॉप अपनी आराम से खोलते हैं लेट। तो आज सोचा थोड़े से पहले घूम के आएंगे, और मास्क उस्क सब लगा रखा है। देखो रिक्शे पे, अभी ये मत बोलना मास्क नहीं लगाते हो तो। हम लगाते हैं लेकिन दुकान के अंदर नहीं लगाते, बस कभी कभी बाहर लगा के रखते हैं हमेशा। हाँ, दुकान में जब कोई नहीं होता तब नहीं लगाते हैं बस। तो अभी V3S जा रहे हैं, थोड़ा सा लंच करके आएंगे, तो लंच की वीडियो भी बनाएंगे वहाँ पे जाके, वो फूड एंड स्टे पे आपको मिल जाएगी। और थोड़ा सा रास्ता दिखाऊंगा, थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं दिखाऊंगा आपको। शाम के जो मैं काम करने आता हूँ, जो क्या काम करता हूँ, कैसे आता हूँ, वो चीज़ आज आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा इस वीडियो में। कुछ काम करता हूँ तो खुश होकर करता हूँ उनको, और उनके पीछे क्या मोटिव होता है वो चीज़ भी मैं बताऊँगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलते हैं पहले V3S। तो ये अभी हम जा रहे हैं गुरु अंगद नगर से निकलते हुए। ये गुरु अंगद नगर है वेस्ट साइड, एक ईस्ट पड़ता है, ईस्ट पड़ता है राधु पैलेस के दूसरी साइड, और ये है वेस्ट। तो इस तरह के रोड हैं इधर के, बड़े पतले रोड हैं, यहाँ से गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो लक्ष्मी नगर मतलब बहुत कंजेस्टेड है, अगर गाड़ी आमने सामने से आ जाए ना तो आप निकाल नहीं पाओगे। लेकिन जिधर हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा खुला है, तो वहाँ से हमें एकदम मतलब आउटर साइड चले जाते हैं, तो वहाँ से मतलब ओपन एरिया है काफ़ी, रोड चौड़े हैं, तो इस वजह से हमें दिक्कत नहीं होती है। और ये अभी हम पहुँच गए हैं राधु पैलेस। तो राधु पैलेस में ना मैं शाम को रोज़ क्या करता हूँ, 9 बजे के बाद कूड़ा डालने आता हूँ यहाँ पे। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मोनिका जो है बहुत काम करवाती है। तो 9 बजे दुकान बंद करते हैं, उसके बाद फिर मैं आता हूँ कूड़ा डालने, उधर सामने की तरफ वो बना हुआ है कूड़ा घर, तो वो मेरा मतलब फेवरेट काम है कूड़ा डालना। यहाँ पे ये सामने कूड़ा डालता हूँ, और इसका फ़ायदा क्या है कूड़ा डालने आने का, यहाँ से इधर ना एकदम सामने मेरी दुकान पड़ जाती है, वो दिख रहा होगा अभी कुछ लिखा हुआ, नहीं दिख रहा तो वो रहा। तो इस मॉल के अंदर वहीं पे एकदम चिल्ड बियर मिलती है, और यहाँ पे कूड़ा डालते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, तो मेरा मतलब दो काम हो जाते हैं, और चलना फिर अलग से हो जाता है। चलने का फ़ायदा ये रहता है कि पेट जो थोड़ा बहुत बाहर आता है वो अंदर हो जाता है थोड़ा बहुत। एक काम करने के लिए आता हूँ, उसके साथ साथ मेरे 3 फायदे होते हैं। एक तो पैसे बच जाते हैं सबसे पहली चीज़, कूड़े देने वाले को, तो कूड़े वाला वैसे आजकल आ भी नहीं रहा, वो पता नहीं चला ही गया शायद अपने गाँव। और दूसरी चीज़ जो है मेरा चलना हो जाता है, और तीसरी चीज़ मेरा सामान मिल जाते हैं मुझे, उसके लिए अलग से नहीं आना पड़ता, परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो मैं रोज़ पूछ लेता हूँ मोनिका से कि कूड़ा तो नहीं डालना आज, तो हंस पड़ती है, अगर डालना होता है तो वो कह देती है कि हाँ आज डाली आओ, जिस दिन मना हो जाती है तो उस दिन नहीं डलता फिर हमारा कूड़ा, उससे अगले दिन डलता है, वो इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो पहुँचने वाले हैं V3S, और थोड़ी सी हंसी मजाक हो गई क्योंकि ये ज़रूरी है, पता है हंसी मजाक नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है लाइफ में, और हमेशा हंसते रहना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा सबको। तो V3S पहुँच गए, अभी यहाँ पे हम लंच करेंगे आज, तो अभी चल के वहीं पे बात करते हैं एक बार, क्या क्या खा रहे हैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं आज इस वीडियो में। और सरदार जी पीछे बैठे हुए चुप नहीं हो रहे, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पे ये पार्किंग मिल जाती है आपको, पार्किंग का यहाँ पे 20 रुपीज़ आई थिंक कार का है, 10 रुपीज़ बाइक का है पर आवर। और V3S में घुसते ही इधर स्वागत हो जाता है अपना, और यहाँ से एंट्री करेंगे अभी। तो यहाँ पे पहले हमें सैनिटाइज करना होगा, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर चेक होगा, हो गया ओके। और ये फर्स्ट वाली बिल्डिंग है V3S की, और इसमें यहाँ पे खाने के ऑप्शन ज़्यादातर मिलेंगे आपको। नीचे इधर आपको बर्गर किंग मिलेगा, पहले यहाँ पे एक पंजाबी ढाबा था वो नहीं है अब, और इधर आपको मिलेगा नज़ीर तो नॉनवेज के लिए, और ये मिलेगा काके की हट्टी। तो आज हम काके की हट्टी में ही आए हुए हैं। तो मेन जो इनका पड़ता है वो पड़ता है फतेहपुरी में, फतेहपुरी पुरानी दिल्ली चांदनी चौक के पास, तो वहाँ पे पड़ता है काके की हट्टी। बट इनकी एक ब्रांच ये यहाँ पे खुली हुई है,
और इंटीरियर बड़ा मस्त बना हुआ है। प्लस अभी ऑर्डर कर रहे हैं तो मोनिका सेलेक्ट कर रही है क्या क्या अभी डालना है और क्या क्या खाना है। तो इनकी नान फेमस है तो हम एक तो नान ऑर्डर करेंगे और इसकी फुल वीडियो इस पूरे रेस्टोरेंट की और क्या क्या हमने खाया उसकी पूरी वीडियो आपको मिलेगी फूड एंड स्टे इंडिया चैनल पे। तो खाना हो गया है और खाना इतना हैवी हो गया था कि एक नान हमने पैक भी करा ली है तो पैक करा के लेके जा रहे हैं आराम से जाकर शाम को खाएंगे घर पे गरम करके। तो वो मिक्स नान थी। तो अभी मॉल से निकलेंगे और पेट बहुत भर गया है और निकल भी गया है पेट, अब काफ़ी बाहर आ गया। तो हाँ, तो सरदार जी अपना खोल के उठा के देखने लगे कि पेट कितना बाहर है। तो अभी चलते हैं दुकान पे, चल के बात करते हैं क्योंकि अभी दुकान भी खोलनी है जाके। तो अभी शॉप पर बैठे हुए हैं और आज एक बहुत दूर से अपने सब्सक्राइबर भी हैं, वो मिलने आए हैं तो उनसे मुलाकात करवाता हूँ। ये हैं सर, आए हुए हैं फरीदाबाद से। तो सर थोड़ा सा अपना इंट्रो दो। हेलो, मेरा नाम हेमंत शर्मा है और मैं भाई साहब से मिलने फरीदाबाद से आया हूँ। तो इनके YouTube पे कुछ मैंने वीडियोस देखे थे जो काफ़ी अच्छे लगे तो उसी से इम्प्रेस हो गए, बस यहाँ पे आ गया। और इनका थोड़ा सा एक यहाँ पे शॉप भी थी लक्ष्मीनगर में तो सोचा चलो दोनों काम वो भी कर लेते हैं साथ में। तो बेसिकली YouTube है जो मीडिया है हमारा हम दोनों को मिलाने का। बिल्कुल कोई नहीं, मैं ये आपसे भी अपील यही करूंगा कि आप भी ऐसे जुड़ते रहें लोगों से और मिलते रहें तो अच्छा लगता है, इसी से नेटवर्क बढ़ता है। थैंक यू सर। तो सर ने मेल किया था मुझे और मैंने यूजुअली मेल का रिप्लाई कर देता हूं। सर ने एड्रेस पूछा था दुकान का, मैंने एड्रेस दुकान का भेज दिया था और साथ में दुकान का अपना फ़ोन नंबर भी दिया था मैंने। तो सर आज आए और बड़ी अच्छा लगा, मतलब खुशी हुई कि चलो इतनी दूर से फरीदाबाद से सर यहाँ चश्मा देखने के लिए आए हैं। तो मतलब उनका आने जाने में इतना खर्च हो जाएगा, शायद इतने में पूरा चश्मा ना बने। तो अभी बैठे हैं, बस थोड़ा बात करेंगे और बाकी ऐसे सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सच में, मतलब दिल से रेस्पेक्ट आती है फिर। तो काफ़ी अच्छा लगा जैसे कि सर आए फरीदाबाद से, मतलब यहाँ से मान के चलो आप 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर दूर आए स्पेशल और उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने कॉल भी नहीं किया, सीधा उन्होंने एड्रेस बस डाला नेट पे और आ गए। तो मतलब अच्छा लगता है ये, कई बार मतलब लगता है कि हाँ चलो एटलीस्ट थोड़ा लोग हमें ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और उससे मोटिवेशन एक मिल जाता है। तो थैंक यू सर के लिए। और चले गए, एक्चुअली वो चश्मा बनवाने भी आए थे अपना, तो उन्होंने चश्मे की जानकारी लेनी थी, आई चेकअप भी कराना था। तो आई चेकअप उनका हो गया है और चश्मा उनका एक दो दिन में रेडी हो जाएगा, तो मैं कोरियर करा दूंगा या फिर उधर की तरफ का एक राउंड मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फरीदाबाद साइड का। तो ओवरऑल आज के दिन में ना सारा कुछ कंप्लीट हो गया। देखो हमने सुबह फर्स्ट हाफ में छुट्टी भी मना ली और दोपहर में लंच भी हो गया, मीटअप भी हो गया, हाँ, और शाम में मीटअप भी हो गया, और मतलब पूरा फुल ऑफ सरप्राइजेस से भरा हुआ दिन था आज। तो बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहना आप लोग, क्योंकि ये सपोर्ट मिलता रहे बहुत है, इतने से मतलब मोटिवेशन मिलता रहे वही बहुत चीज़ होती है। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में बस आज थोड़ी बहुत फन मस्ती और खाना पीना ये सब दिखाया है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, बट हाँ आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड देखते हैं कितने लाइक आएंगे इस वीडियो पे, क्योंकि ऐसी वीडियो शायद लोग कम पसंद करते हैं जो हमारे चैनल पे होती है स्पेशली। तो चलिए देखेंगे कितने लाइक आते हैं ये भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।